घंटे सवा घंटे के ऊपर मजलिस होगी। आखिरी तोहफा 18 ज़िलीज तक चार चीजों का, ये चार चीजें पढ़ो, तुम्हारे सारे रिस्क के प्रॉब्लम्स, बीमारी, मगफिरत के बाद, मरने के बाद की मगफिरत, कितना फायदा, चार चीजें करो। मैं आधे घंटे का पैकेज देकर जाता इस ईसा ने सवाब की मजलिस में, शहला हसन और हुमा की, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, इनको बीबी की बागा में शहला हसन को खरीब से खरीब महाम अता करे, इनके शहर को, इनके बच्चों को सब्र जमील अता करे, इस मरहुमा के मगफिरत के लिए और अजर अजीम के लिए बावाज बुलंद सलाम पढ़े। इससे तुम अपना बिल्डिंग बना सकते, इससे तुम्हारे टाउनशिप बनेगी वहां, इससे तुम्हारी खबर में पैलेसेस बनेगी। आधे घंटा रोज, अगर आधा घंटा 18 ज़िलीज तक निकालो, सो सिंपल। पहले 100 सलावत दिन में कभी भी करो, या औरत मर्द लड़की लड़का सब करे, और ये बाद में मेरी सीडी लेकर सुन ले, 100 सलावत पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु, और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हदिया करो। 100 टाइम सलावत पढ़ के रसूल की बारगाह में गिफ्ट करो, तोहफा दो, हदिया करो। अब सलावत के माने क्या है? जब आप बोलते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसका मतलब है कि अल्लाह तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत को नाज़िल फरमा, यही मतलब है ना? वेरी क्लियर मैसेज। 100 मरतबा तुमने रसूल की बारगाह में हदिया किया, 100 सलावत पढ़े कि अल्लाह तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमा। दुनिया का दस्तूर क्या है कि जब कोई दुआ देता है, जब कोई तोहफा देता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, जब रामपुर पहुंचा, हसन भाई के पास पहुंचा, हसन भाई ने कहा अल्लाह पे रहमत नाज़िल करे, मौला आपको सलामत रखे, दुआ दी ना, सलामत रखे। अब मेरा फर्ज क्या है? मैं भी फौरन पढ़ के कहूँ मौला आपको भी सलामत रखे, सलामुअलैकुम वालेका सलाम, यही तो है। मैं भी पलट के बोलूं मौला हसन भाई आपको भी मौला सलामत रखे। अगर मैं कुछ ना बोलूं, खाली उनसे दुआ लेता ना हूं, वो बोलेंगे यार ये मौलाना कैसे, कितने बदअखलाक मौलाना है, ये तो कुछ नहीं बोल रहे। और अहले बैत तो मरकज है अखलाक के। आपने 100 मरतबा कहा अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पे रहमत को नाज़िल फरमा, अगर रसूल एक दफा बोल दे अल्लाह इस पे भी नाजिल कर दे, आप सोचो कि कंप्लीट रहमत, अगर वमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, अगर रसूल रहमत के लिए दुआ कर दे तो उसके लिए तो बरकत ही बरकत है। तुम्हारे सारे इश्यूज रामपुर के सॉल्व हो जाएंगे एक सलावत के जरिए, 18 से।